बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब से कुछ ही देर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिस तरह से 7 विधायक उनकी बाकी हुए, अब उन पर निलंबन की कार्रवाई कर दी है। तो सभी विधायकों को पार्टी से निलंबित किया गया है। इसके साथ ही पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में उन विधायकों को नहीं बुलाया जाएगा। ये कार्रवाई की गई है दल बदल कानून के तहत। तो इसको लेकर पहले ही जानकारी यहां पर दे दी गई थी कि अब रुक किया जाएगा बहुजन समाज पार्टी के जरिए उन विधायकों को लेकर जिन्होंने बगावत की, और बगावत का नतीजा यहां पर जब पार्टी से अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और संकेत मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो संकेत, ये तो पहले से ही तय था, ये पहले से ही कंफर्मेशन था कल से ही कि जो विधायक बागी हुए हैं उन पर एक सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन ले लिया गया, बसपा सुप्रीमो ने इस बात का जिक्र किया, लेकिन इसके साथ ही कई बड़े हमले जो समाजवादी पार्टी पर उनके जरिए किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो राज्यसभा को लेकर राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने बसपा के जिस तरह से 7 विधायकों को अपने पाले में किया और जो प्रस्तावक थे बसपा के राज्यसभा प्रत्याशी के, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि मायावती की तरफ से प्रतिक्रिया आनी ही थी। इंतजार किया गया और जैसे ही कल प्रकाश बजाज के का नामांकन निरस्त हुआ और आज बसपा सुप्रीमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला। और यही नहीं, उनके पिताजी यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हैं उन पर भी वो हमलावर हुई और पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया कि किस तरह से रामगोपाल यादव ने उनसे बात की थी सतीश मिश्रा से फ़ोन से, और दूसरी तरफ अपने जो 7 विधायक थे उनको अपनी पार्टी से उन्होंने निष्कासित कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में भी वो एक इनकी जो दल बदल कानून के तहत इनकी जो सदस्यता है उसके निरस्त करने के लिए भी जल्द पत्र भेजा जाएगा कि इनकी बसपा की तरफ से सदस्यता निरस्त की जाए, पार्टी से इनको बाहर कर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इन सभी विधायकों को किसी भी बसपा के कार्यक्रम में ना बुलाने के निर्देश पूरे प्रदेश में और जहां भी पार्टी संगठन है सबको दिए गए हैं कि कोई भी इनको अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में या बसपा के कार्यक्रम में नहीं बुलाएगा जो बसपा से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे में अपने विधायकों पर कार्रवाई तो की ही की, दूसरी तरफ सपा पर उन्होंने जमकर हमला बोला है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला है और सीधे जनता से उन्होंने कहा है कि जो ये विधायकों ने किया है, जो बसपा के सिंबल पर जीत के गए थे, इनको भी जवाब दें। बिल्कुल, और संकेत इसी के साथ ये भी हमने सुना कि उन्होंने ये साफ कहा कि जिस तरह से उन्हें हमने साथ दिया, एक मंच पर हम वहां मौजूद रहे, वो पल हमने भूला, वो क्षण हमने भूला जो शायद कभी भूलने लायक नहीं था, लेकिन बावजूद उसके हम पार्टी के साथ आए और एकजुट रहे। बावजूद उसके इतना बड़ा धोखा दिया गया और बताया कि जिस राह पर मुलायम सिंह यादव थे अब कहीं ना कहीं उसी राह पर उनके बेटे भी चल रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के जो मुखिया रहे हैं मुलायम सिंह यादव उन पर, और उसके बाद अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा कि वो अपने पिता के रास्ते पर ही चल रहे हैं। पुरानी जो गेस्ट हाउस कांड की घटना थी जो मुलायम सिंह पर सीधा आरोप था, उस घटना को हमने भुलाया और उसके बाद अखिलेश यादव ने जब बात की तो गठबंधन किया और गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ा, और अब फिर एक बार वही पुनरावृत्ति हो रही है। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने धोखा दिया मायावती का यह आरोप है, इसका जवाब हम MLC के चुनाव में देंगे, यानी कि अभी MLC के चुनाव जो होने हैं उनमें भी बसपा सुप्रीमो मायावती अब सीधे तौर पर सपा का विरोध करेंगी और अखिलेश यादव का विरोध करेंगी। हालांकि राज्यसभा के जो चुनाव थे इसमें राज्यसभा के चुनाव में पहले मायावती ने स्वीकारा है कि सतीश मिश्रा और रामगोपाल यादव की बातचीत हुई है, जो रामगोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो एक सीट है यहाँ पे राज्यसभा पे एक जो नामांकन किया है रामगोपाल यादव ने अपना, तो रामगोपाल यादव और सतीश मिश्रा की बात हुई उसमें एक सीट की बात कही गई थी, लेकिन एक की बजाय दूसरा निर्दलीय नामांकन करा दिया गया। ये बसपा के रास्ता रोकने का काम किया गया, ये सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया है अखिलेश यादव पर। इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर बातचीत की जाती, फोन किया गया, फोन पर वो मौजूद नहीं हुए, और अगर बातचीत की जाती, अगर इस सीट को लेकर भी वो अपने ही उम्मीदवार को यहाँ पर उतारना चाहते तो हम उतारने देते, हमें कोई इसमें गुरेज नहीं था, लेकिन जिस तरह से पीछे से हमला किया गया है ये नागवार गुजरा है बसपा सुप्रीमो को।
बिल्कुल, अब उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी पार्टियों की जो विपक्षी एका थी वाकई वो राज्यसभा चुनाव में अब तितर बितर हो गई है इस राज्यसभा चुनाव की वजह से। और जो सब विपक्षी पार्टियों में जो सबसे बड़े दल हैं सपा और बसपा, वही एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं। इस राज्यसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो अब बदल दी है। तो ऐसे में सीधे तौर पर मायावती अब अखिलेश यादव पर हमलावर हो रही हैं और उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है कि ये धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। और यही नहीं, अपने निलंब जो विधायकों जिनको उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, इन विधायकों के बारे में उन्होंने कहा कि इन्होंने आपका वोट लेकर आपको धोखा दिया है। और सीधे निर्देश दिए हैं अपने पार्टी को कि ऐसे इन सभी सातों लोगों को किसी भी कार्यक्रम में पार्टी के ना बुलाया जाए। यानी कि मायावती अब पूरी तरीके से सपा पर हमलावर हैं और एमएलसी चुनाव में उन्होंने चेतावनी दी है कि एमएलसी चुनाव में बसपा सपा के बिल्कुल साथ नहीं होगी और सीधे तौर पर विरोध करेगी। चलिए संकेत बने रहेगा। राजीव राय जी जुड़ गए हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये। राजीव राय जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी क्या पूरी? नहीं, मैं सुन नहीं पाया जी। बड़े बड़े हमले किए हैं आप पर, कहा कि बहुत सालों पहले जो विश्वासघात किया था, जिस तरह का हमला उन पर किया गया था मुलायम सिंह यादव के जरिए, वो उस पल को भूली हैं और उसके बाद एक मंच पर मौजूद रहे, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती उन्होंने बताया है अपने आप को कि पार्टी के साथ हम आए, बहुत बड़ी गलती हमने की। और कहा कि जिस पदचिन्ह पर मुलायम सिंह यादव थे उन्हीं पदचिन्हों पर अब अखिलेश यादव भी चल रहे हैं, बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, इसका जिक्र किया। अब जो माँ बहन जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन चुकी है, बीट बन चुकी है, उनसे अखिलेश यादव को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी के बारे में पूरे प्रदेश की जनता को एहसास हो गया कि जिसके कंधों पर बैठकर आपने 10 सीटें जीती और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सीबीआई और ईडी के दबाव में जिस तरह से आपने बदल लिए, पूरे प्रदेश की जनता को और बहुजन समाज राजीव जी, राजीव जी बताता हूँ, राजीव जी क्या आपके बल पर 10 सीटें जीती? पार्टी तो साथ थी ना, गठबंधन था, पार्टी साथ, आपको उनका फायदा हुआ या उनको आपका फायदा? नहीं नहीं, हमको नुकसान ये हुआ कि हमने ईमानदारी से अपने वोट ट्रांसफर करा दिए। बहन जी के वोट आप एक एक चीज को उठा के देख लीजिएगा, बहन जी के वोट हमको नहीं आए। अगर हमको फायदा हुआ होता तो हम 2014 में 5 थे, ये 0 थी, ये 0 से 10 चली गई और हम उसी जगह पर गए, तो फायदा किसको हुआ? इसके लिए बहुत रॉकेट साइंस की तो जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट की जरूरत नहीं इसको समझने की। यानी कि जो नुकसान तब दिया, जो नुकसान तब दिया बसपा ने, अब आप उसको पलट रहे हैं, अब आप नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम सबके राज्य पे विश्वास करते हैं और आदरणीय अखिलेश। तो कल क्या हुआ राजीव जी, तो कल क्या हुआ था? अगर कोई अगर राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री अगर आकर मिलना चाहे तो उसको क्या डंडे मार के भगा देंगे? भगा देंगे, आप बताइए क्या करेंगे? अगर आपके घर में एक अत्याचार करने आ जाऊं तो आप मुझे धक्के मार के भगा देंगी? नहीं, ये संस्कार राजीव जी, अगर आप अगर पार्टियों के संबंध इतने अच्छे थे तो क्या बातचीत नहीं की जा सकती थी? वो सामने से कह रही हैं कि अगर बातचीत की जाती तो हम ऐसे ही सीट दे देते। तो अगर बातचीत की जाती थी तो जब उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, हमने तय कर लिया, वो भी बातचीत कर सकती है। ये कहाँ लिखा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार जाएंगे, बार बार बात करेंगे? वो भी तो कर सकती थी। तो कह तो रही है कि बात करने की कोशिश की गई थी लेकिन फोन पर नहीं आया अखिलेश यादव, यानी कि मंशा पहले से ही साफ थी। जब आप लोगों के बीच में आदरणीय बहन जी आकर घोषणा कर दी कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ रही है, तब भी उन्होंने फोन नहीं किया था। अब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, उनकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ईडी और सीबीआई से डरे। आदरणीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी को न उनके सहारे की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, न उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है। राजीव जी रुके रहिएगा आप, अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई है, बीजेपी की प्रवक्ता है। अनिला सिंह जी, आपने क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? हाँ बिल्कुल जी, आप कुछ कहना चाहेंगी पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि बीजेपी को लेकर भी काफी बातें की गई हैं। देखिए, मैं जो उनका मेजर फोकस था वो इस बात का पश्चाताप कर रही थी कि भाई उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर कर बहुत बड़ी गलती करी, मुकदमा वापस कर लेकर बहुत बड़ी गलती करी। अब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, ये ऐसा सोचती है। मैं तो एक चीज जानती हूँ कि दोनों के दोनों क्षेत्रीय दल हैं, दोनों के दोनों सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते हैं।
कि मौके के अनुसार ये लोग अपना कूड़ा भाग करते हैं कि इस जाति इस धर्म के लोग ये आ जाए तो इसके साथ गठबंधन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इन लोगों ने ताकत जुड़ाई थी कि भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आ सके, वो विफल हो गए। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पश्चाताप करे, कुछ भी बोलते रहे, पर ये तो सत्यता है ना, साथ आए, गठबंधन इनका हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया जी। लेकिन अनिला जी, सीधे ना कहते हुए यहाँ पर मायावती ने बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। हालांकि पहले उन्होंने कहा कि जिस तरह से बातें चल रही हैं कि बसपा और बीजेपी की कहीं ना कहीं ये मिलीभगत है, उसको लेकर उन्होंने वो बातें खारिज की, लेकिन कहा कि वक्त आया तो आगे समर्थन शायद मिल सकता है। देखिए, ये उनकी सोच हो सकती है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी में आई है और आने वाले चुनावों में 2022 में हम उससे भी बेहतर नंबरों के साथ आएंगे। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हमें किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये उनकी खुद की सोच हो सकती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो चाहे 2019 का चुनाव रहा हो, लगातार इस तरीके के नंबर्स दिए हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो उनका भरोसा है बीजेपी पे, वो साफ नजर आता है। इससे जो बाकी राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर से सपा बसपा, वो घबराए हुए हैं। अब वो आगे उनकी क्या राजनीतिक रणनीति रहती है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये उनका खुद का रवैया है। वो बीजेपी को उससे जोड़कर देखना या बीजेपी की सोच ऐसी है, ये कहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कल का जो भी घटनाक्रम हुआ अनिला जी, ये इस तरह से नहीं लगता कि पीछे से चाकू घोंपा गया हो बसपा पर? वो तो उसका उत्तर आप बसपा और सपा से लीजिए ना, हम लोग उसका उत्तर क्या दें? राजीव जी, अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप इसका उत्तर दे दीजिए। आदरणीय अनिला सिंह जी को याद दिलाना चाहूंगा कि वो पार्टी जो कांग्रेस ने देश के कट्टरों और आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने वाली पार्टी के चरणों में जाकर सरकार बनाई, जिसने नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों के साथ सरकार बनाई, वो गठबंधन पर ध्यान देने से पहले अपने अंतरात्मा में झांक ले तो अच्छा रहेगा। अब ये भी सुख हमारे यहाँ कहा जाता है, सुख तो सुख चलनियों से, और जिस तरह से भारतीय जो बसपा के कल विधायक थे, माननीय योगी जी की तारीफ कर रहे थे और योगी जी ने वो किया, तो इसे समझ नहीं आता। भवन जी को समझना चाहिए कि उनको ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संस्कार है कि जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उस पार्टी को खत्म कर देती है। शिवसेना समय से पहले भाप गई, बहन जी नहीं भाप रही है, बहन जी का अंत निश्चित है, राजनीतिक अंत निश्चित है, और बहन जी को हमारी शुभकामनाएं। और जो खाली सपने देख रहे हैं योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग बस इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आप बिहार में देख रही है ना कैसे भीड़ दौड़ा रही है, वही हाल उत्तर प्रदेश में भी होगा। राजीव जी, ये बताइए आखिरकार इतना विश्वास कैसे है, क्योंकि कल जिस तरह से मामला सामने आया उसके बाद तो झटका आप लोगों को ही लग गया है। हमें क्या झटका लगा, हमें क्या झटका लगा? अगर ये पर्चा दाखिल खारिज करा देते हैं तो ये तो ही इनका CBI, ED और IB सारे जो संस्थान है जो कब्जे में ले रखे हैं। हमारे पार्टी से कोई उनके यहाँ चला गया हो, हमारे यहाँ कोई छूट पड़ गई हो, तो हमको झटका लगे। ये तो उनका असली चरित्र उजागर हुआ है कल। बसपा और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा कल जनता के सामने आ गया है, और जनता को इतनी बेवकूफ ना समझे। जनता को इतनी बेवकूफ, जो उत्तर प्रदेश के लोग त्रस्त हैं, अभी ठंड का दिन आ रहा है, रात भर किसानों को खेत में अपने फसलों की रखवाली करनी पड़ेगी जानवरों से, वो उनको याद है पिछले साल का भी। योगी जी जो जाकर बिहार में भाषण दे रहे हैं, और जो नीतीश कुमार का हाल हो रहा है बिहार में, वही योगी जी का होने वाला है, ये हमारा भी स्वागत। चलिए, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि मायावती ने खुद कह दिया कि जिस तरह से हालात 2017 पहले से वो बया कर रहे हैं कि बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सामने आ रही। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।